क्वीन चिल्ला क्यों रहा है? वरुण भाई तुम तुम इधर क्या कर रहे हो? अपुन को डरा ले, अपुन पागल है क्या? अपुन के चाहने का भी तुम इधर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। अपुन पकड़े जाने के डर में अपुन स्ट्रेचर में लेट गए। वरुण भाई को लगा कि अपुन मुर्दा है, अपुन इधर लेकर आया। तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं तो वहां वार्ड में लेटा हुआ था कि अचानक देखो, बार बार कहने की आदत नहीं है मुझे, डील फाइनल होने के पहले ही कह चुका हूं मैं, 20 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं, और फुल पेमेंट के बाद ही सब मिलेगा। कंडीशंस की फिक्र मत करो, वही पूरी करने जा रहा हूं मैं। सबके पीछे डीन तो नहीं? और अगर ऐसा है तो हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। चलो उसके चेंबर में, जहां वो आवाज करने वाला पंखा भी। वैसे वरुण भाई, ये डीन इतनी रात को अस्पताल में क्या कर रहा है? ये कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? चक्कर वक्कर कुछ नहीं, सोचने वाली बात यह है कि वो ये कमरा लॉक क्यों कर रहा है। जरूर कुछ है। क्या बात कर रही? लॉक्ड है वरुण भाई, अपुन है ना? जल्दी कर। अरे करे ले रहा हूं, खुल गया वरुण। अंदर मैं जाता हूँ। अरे अपुन पीछे, बाहर तू रोक। अगर किसी के भी आने की आहट सुनाई दे तो मुझे बुला लेना। बिल्कुल। अरे वरुण भाई, काय को माँ की याद कर रहे हो? चलो ना। पिछली अदालत में हम देख चुके हैं कि मिस्टर पाठक बिना किसी ठोस सबूत के इस केस को किसी ना किसी तरीके से आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे अभी भी नहीं लगता कि इनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है जो इस केस का रुख बदल दे। क्यों मिस्टर पाठक? पटनागर साहब, आप हैं वकील लेकिन कर रहे हैं ज्योतिषबाजी। वैसे मैं आपको बता दूं, आप कर भी रहे हैं तो ये जो आपकी भविष्यवाणी है ये गलत है। फिर सही क्या है मिस्टर पाठक? सही वही है योर ऑनर जो मैंने पिछली सुनवाई में कहा था। सत्यवती अस्पताल में अवैध रूप से गरीब रोगियों के गुर्दे निकालकर उन्हें बेचने का व्यवसाय चल रहा है। ऑब्जेक्शन मिलो। मिस्टर पाठक मेरे क्लाइंट की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भटनागर साहब, इमेज की छोड़िए, सर्वप्रथम मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए प्लीज। योर ऑनर, कल मैंने अपने सहायकों को सत्यवती अस्पताल भेजा था छानबीन करने, जानकारी प्राप्त करने, तो डीन भागवत के कक्ष के रेफ्रिजरेटर में से एक आइस बॉक्स मिला जिसके अंदर किसी का गुर्दा पाया गया। तो वो किडनीज कहाँ हैं? आप उन्हें अदालत क्यों नहीं लेके आए? विचित्र बात है पटनागर साहब, किसी मनुष्य का अंदरूनी अंग मैं अपने साथ लेकर घूमूंगा? मैं समझाता हूँ आपको। हुआ ये कि जब मेरे सहायक उस आइस बॉक्स को मेरे दफ्तर लेकर आए, मेरे ऑफिस लेकर आए, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर दवे को फोन करके बताया। ये गुर्दा सत्यवती अस्पताल के किसी रोगी का है जिसका कल ही ऑपरेशन हुआ है। योर ऑनर, मैं एक डॉक्टर को अपने साथ लेकर सत्यवती हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उस दिन जितने भी पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ मैंने सबका चेकअप करवाया, तो पता चला कि एक पेशेंट माणिक राव पाटिल, जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसकी किडनी गायब।
साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। सर उसे मैंने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया जहाँ डॉक्टर्स उसकी किडनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो इसमें सफल भी हो जाएंगे। पर मानिक राव की किडनी आखिर निकाली किसने? निसंदेह सत्यवती अस्पताल के ही किसी डॉक्टर ने। आपकी अनुमति हो तो मैं सत्यवती अस्पताल के डीन डॉक्टर भागवत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है तो, डीन साहब आपके कमरे से आपके फ्रिज में से किसी व्यक्ति का माणिक राव साहब का संभवतः गुर्दा मिला। कैसे? मिस्टर पाठक मैं आपको ये बता दूं कि मेरे कैबिन का इस्तेमाल मेरे अलावा हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स भी करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के चीफ सर्जन डॉक्टर खुराना, उन्हें तो मैंने अपने कैबिन की दूसरी चाबी भी दे रखी है। वैसे आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर खुराना ने वो गुर्दा आपके फ्रिज में रखा? मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं तो क्या मतलब है आपके कहने का? मिस्टर पाठक मैं आपको इतना बता दूं कि किडनी कोई किसी को ऐसे ही पकड़ कर नहीं निकाल सकता, उसके लिए उसका पेट खोलना पड़ता है। आई मीन ऑपरेशन, जो कि मैंने नहीं मानिक राव का ऑपरेशन डॉक्टर खुराना ने किया। यस योर ऑनर, मानिक राव का अपेंडिक्स का ऑपरेशन मैंने ही किया था। उस वक्त किडनी को छुआ तक नहीं था, डॉक्टर संजगिरी और निर्मला मेरे साथ ही थी। वैसे क्या डॉक्टर खुराना? वैसे कुछ देर के लिए मैं ओटी के बाहर गया था, मुझे लगा कि कोई ओटी के बाहर खड़ा है। हाँ वो मेरा सहायक था श्रवण। ओ आई सी, बस वो डाउट मिटा के मैं वापस ओटी में आ गया। उसके दौरान एक सेकंड डॉक्टर खुराना, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आपकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर सांजगिरी और सिस्टर निर्मला ने मानिक राव की किडनी निकाल ली? योर ऑनर ये संभव नहीं है। कितना समय लगा होगा आपको जाकर वापस आने में? 2 मिनट बस। 2 मिनट में योर ऑनर संभव नहीं है कि कोई किसी का कुर्ता निकाल ले। फिर मानिक राव की किडनी कब निकाली? ऑपरेशन के बाद योर ऑनर, जब मानिक राव को पेशेंट वार्ड में ले जाया गया। छानबीन करने पर इंस्पेक्टर दवे को उनके बिस्तर पर लहू के कुछ अंश मिले योर ऑनर, और नीचे फर्श पर पड़ा हुआ एक ऑपरेशन धागे का टुकड़ा। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि उन्हें पेशेंट वार्ड में ले जाने के बाद जब वो एनेस्थीसिया के असर में थे, किसी ने उनके स्टिचेस खोले, उनका गुर्दा ऑपरेशन करके निकाला और फिर टांके लगा दिए। ये सब इतना आसान नहीं जितनी आसानी से आपने इसका विवरण किया मिस्टर पाठक। और आपको तो पता होना चाहिए कि एक ऑपरेशन के दौरान काफी खून निकलता है, एक तो कतरे नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आपकी बात से सहमत भी हूँ भटनागर साहब, आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेटिंग टेबल पर या बेड पर या स्ट्रेचर पर, जहाँ पर भी ऑपरेशन किया जाता है, वहाँ एक प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है ताकि रक्त यहाँ वहाँ ना गिरे। कभी कभी होता है कि रक्त के कुछ छींटे छलक जाते हैं और कहीं और गिर जाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मानिक राव के बिस्तर पर जो रक्त की छींटे पाई गई उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि ऑपरेशन किया किसने? निर्मला जी, जिस समय मानिक राव जी को अपने वार्ड में ले जाया गया उस समय आप उसके साथ थी? सर मैं हमेशा वहां नहीं थी क्योंकि मुझे और भी पेशेंट देखने होते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि मानिक राव जी बेचारे बेहोशी की हालत में वहाँ अकेले पड़े हुए थे, आपने किसी को अंदर जाते हुए देखा क्या उनके वार्ड में? वो उतना तो याद नहीं है मुझे सर, लेकिन हाँ एक बार मैंने डॉक्टर भागवत को वहाँ से आते हुए देखा। रोज पेशेंट्स को देखने वार्ड के चक्कर लगाता हूँ योर ऑनर। मानिक राव का ऑपरेशन हुआ था, मैं उसे देखने गया था,
इट्स माय डेली रूटीन। अच्छा तो ये आपका रूटीन है, आप रूटीनली अपने पेशेंट्स को देखने जाते हैं। उस दिन आपके रूटीन में थोड़ी सी खलल पड़ गई, बगल के वार्ड में मेरा सहायक वरुण था जिसे आप देखने नहीं गए, लेकिन वरुण ने छुप कर आपकी सारी बातें सुन। डील फाइनल होने के पहले ही कह चुका हूँ मैं, 20 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। तो ये क्या डील थी आपकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानिक राव का गुर्दा आप अपने ग्राहक को 20 लाख रुपए में बेचना चाह रहे थे? नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। क्या मतलब था आपका? योर ऑनर, विरार में मेरा एक पुराना फ्लैट है जिसे मैं 20 लाख में बेचने जा रहा था, उसी डील की बातचीत हो रही थी। मिस्टर केडी, आप ये बेबुनियाद बातें करके मुझे इस तरह फंसा नहीं सकते। नहीं, नहीं, मैं आपको कहाँ फंसा रहा हूँ, मैं तो अगले गवाह को बुला रहा हूँ योर ऑनर, डीन साहब की संतुष्टि के लिए, धनपत मिश्रा जी। योर ऑनर, धनपत जी ने पिछली सुनवाई में ऐसा बोला था कि सत्यवती अस्पताल के किसी डॉक्टर ने इनका गुर्दा नहीं निकाला था, बल्कि इन्होंने स्वयं अपने गांव के किसी चिकित्सालय में अपना गुर्दा निकलवा कर बेचा था। लेकिन ये मेरे कार्यालय आए थे और सच सच क्या है इन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई। बताइए आप। जज साहब, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पैसे के लालच में जबान मुकर गई थी, पर बाद में महसूस हुआ कि अगर मैं चुप रहा तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही और भी कई गरीबों के साथ होगा। योर ऑनर, रिश्वत में मिली रकम इन्होंने इंस्पेक्टर दवे को लौटा भी दी है। पर ये रिश्वत दी किसने? हमारे डीन साहब ने। योर ऑनर, गणपत को पैसे मैंने नहीं दिए। योर ऑनर, मेरे पास गणपत के फोन रिकॉर्ड्स है, यहाँ पर ये कॉल 26 सितंबर को अर्थात पिछली सुनवाई के ठीक एक दिन पहले शाम को 7:42 पर उन्हें एक फोन आया था। योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि टिक मार्क किया हुआ नंबर आप देखें। ये नंबर डीन साहब के निजी कक्ष का है। योर ऑनर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे कैबिन का इस्तेमाल दूसरे कई डॉक्टर्स भी करते हैं, हो सकता है डॉक्टर खुराना ने। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है योर ऑनर, लेकिन हुआ ये था कि बोरीवली नेशनल पार्क के पास जिस सफेद गाड़ी में से दंपत को पैसे फेंके गए थे वो। अब ये बताइए डीन साहब कि आपकी सफेद गाड़ी के पीछे भी तो बाघ का, शेर का कुछ लगा हुआ, ऐसा चित्र लगा हुआ है ना? पर मैं वो नहीं था। फिर वो कौन था डॉक्टर भागवत? माना कि आपके कैबिन के नंबर से कोई दूसरा आदमी फोन कर सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी तो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। योर ऑनर, मेरी गाड़ी नीचे पार्किंग में रहती है, उसकी चाबी दरबान के पास रहती है, और मेरी गाड़ी का इस्तेमाल स्टाफ का कोई भी डॉक्टर कर सकता है। और भी स्टाफ के कई लोग हैं जो मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जरूरत पड़ने पर, हो सकता है किसी ने किया हो। किसी ने भी किया हो डॉक्टर, इतना तो साबित हो गया कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स की किडनी निकाली जाती है और उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। इतना घिनौना अपराध। एंड यू नो व्हाट, आई हैव बीन मेड टू फील लाइक अ फूल इन दिस कोर्ट। आई एम सॉरी योर ऑनर, अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं सत्यवती हॉस्पिटल का केस कभी नहीं लेता। मुझे खुद पता नहीं था मिस्टर कौशिक, हम रियली वेरी सॉरी। एक डीन होने के नाते डॉक्टर भागवत, आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। आप कल्प्रिट हैं या कोई और, ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो मैं चीख चीख के अदालत में कह रहा था कि सत्यवती हॉस्पिटल पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां किसी की किडनी चोरी नहीं होती। मेरी सारी दलीलें गलत साबित हो गई। मैं शर्मिंदा हूं, आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। और मैं बधाई देता हूं मिस्टर पाठक और उनकी टीम का जिन्होंने इस काले सच का पर्दाफाश किया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पाठक। ये अदालत मानती है मिस्टर केडी पाठक कि आपने वाकई एक शाबाशी का काम किया है, लेकिन याद रहे मिस्टर पाठक के इससे ये साबित नहीं होता कि आपकी मुवक्किल बेकसूर है। सत्यवती अस्पताल में चल रहे किडनी रैकेट का पर्दाफाश होना और डॉक्टर संध्या की लापरवाही से किसी पेशेंट की मौत हो जाना, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा योर ऑनर, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ये जो गुर्दा बेचने का व्यवसाय चल रहा था अस्पताल में, संभव है कि बाबूलाल की मृत्यु उसी कारण हुई हो। जो कर्ता धरता है इस कांड का,
संभव है कि वो ही जिम्मेदार उसका, ना कि मेरी मुवक्किल डॉक्टर संध्या अग्रवाल। पर ये बात आपको अदालत में साबित करनी होगी मिस्टर पाठक। अवश्य साबित करूंगा योर ऑनर। मैं अदालत से समय की मांग करता हूं ताकि इस केस के सत्य को मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। बॉस गर्मा गर्म चाय। अरुण भाई बॉस अपन एक बात बोले। बोल बोल। इस केस में ना अपन की जीत पक्की नहीं, एकदम नक्की है बोले तो। सर मुझे तो 100% डीन ही लग रहा है। अगर डीन है तो डीन के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त करने होंगे वरुण, ठोस साक्ष्य, और ये साक्ष्य एक ही व्यक्ति से प्राप्त हो सकते हैं, मोटो शंकर पांडे, क्योंकि वो इस केस की प्रथम कड़ी है। वही हर रोगी को अस्पताल तक लेकर जाता है और वही हमें इस केस के अंत तक पहुंचाएगा। बॉस अब अपन समझा, इसलिए वो शंकर पांडे, वो ऑटो पांडे जो भी है बॉस, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आया था। उसको लगा अब वो फंसेगा तो फरार। पता लगा कि वो कहां है, क्योंकि इस केस के सत्य तक तो वही हमें पहुंचा सकता है। वरुण भाई अपन गलत लाइन में आ गए, बहुत थकान है, किससे पूछ। अरे भाई ऑटो शंकर को देखा नहीं? देखो गए थे, नहीं देखा ऑटो शंकर। ये सब का एटीट्यूड में कि ए मामा कैसे तू? बस मजा मजे मजे देख दो बस। अरे मामा वो ऑटो शंकर पांडे को देखा लगी था? देखा तो, लेकिन वो कल से तो आया नहीं। वो उसके घर का पता जानते हो? क्या 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 तेरे को क्या है ऐसा क्या? फिर आ जा। अरे वरुण भाई तो ताला लगे ले भगत साला। अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बोल दिया ना एक बार, बस 1 रुपया कम नहीं लूंगा। अरे तुम जो भी समझो यार, ब्लैकमेल जो भी। और हाँ मैं हूँ जो आपको पेशेंट लाकर देता हूँ अस्पताल में, और तुम लोग उसके किडनी बेच बेच कर करोड़ों कमा लेते हो। हाँ और उस गणपत, उसको बड़े आराम से पैसा दे दिया आपने, और मैं सिर्फ 5 लाख रुपया मांग रहा हूँ तो आपके पास है ही नहीं। वाह, और मैं मेरा सब काम धंधा छोड़ कर यहाँ पे छुपा बैठा हूँ 5 लाख। हेलो हेलो, काट दिया। तुझे भी ऐसा एक दिन मैं नहीं काटा ना, देख लेना तू। वरुण भाई अब सॉलिड है गेला, एकदम सॉलिड। अब ना गलत लाइन में ही चाह गया, अच्छा वाला चोर था अपन। और वरुण भाई ये ऑटो शंकर पांडे किधर घुसे ला अपन को समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तुमने शंकर को सत्यवती हॉस्पिटल जाते हुए देखा? ठीक है। ये सब क्या है डॉक्टर? मेरी बात सुनो। ए राजबब्बर बोल, इसको काय को मारा तूने, काय को मारा बोल। मेरी बात सुनो तुम, ये मैंने नहीं उसे मारा, ये पहले से देखो। अरे चल, अरे वरुण भाई छोड़ो, अरे तू रे मारा है, देख रहा है वरुण? मैं मामू को फोन लगाओ पहले, मेरी बात सुनो पहले तुम लोग प्लीज। अरे चल दबे को फोन लगाओ। नो नो मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक मैंने ऑटो शंकर का खून नहीं किया। तो आपके अनुसार किसने किया? मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस दिन ऑटो शंकर ने मुझे फोन किया कि वो मुझसे मिलना चाहता है अर्जेंटली, और उसके कुछ ही देर के बाद। डॉक्टर! हाँ शंकर। अरे डॉक्टर क्या हुआ तुम्हें? वो आपका अस्पताल में क्या बात है, क्या हुआ शंकर? अरे ये क्या शंकर? ये सब क्या है डॉक्टर? उस दिन मेरे हाथ में सिरिंज देखकर वरुण और शर्मन को लगा कि मैंने शंकर को इंजेक्ट किया है, जबकि सच तो यह है कि मैंने उसे नहीं मारा। दरअसल जब वो मेरे पास आया था तो पहले से इंजेक्टेड था। मैं बेगुनाह हूं, मैंने खून नहीं किया है, मुझे प्लीज प्लीज बचा लीजिए। पगले हो गया आप ये सब सुन के? नहीं, सजेशन देना चाहता हूँ आपको, आई एम कंसर्न रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए कि हो सके तो ये केस आप हाथ में ना लीजिए, क्योंकि ये तो लंबे समय तक जाने वाला है, और जो डॉक्टर संध्या है वो भी कीमत, क्योंकि आप और डॉक्टर संध्या की तो मिली भगत थी, उसका मुझे पता चल चुका है। आपको बता दूँ पाठक साहब क्या कर रहे थे दोनों?
ये आप किस बिना पर कह रहे हैं मिस्टर जैसमिन? आपको याद होगा पाठक साहब, बाबूलाल जिसकी मौत मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी, उसका ऑपरेशन डॉक्टर संजगिरी और डॉक्टर संध्या मिलकर कर रहे थे। हो सकता है नहीं, यकीनन बाबूलाल की एक्चुअली किडनी निकाल रहे थे और उसी में मिस्टेक हो गई और बाबूलाल। और रही बात ऑटो शंकर की, तो हो सकता है कि ऑटो शंकर को इस राज का पता चल गया हो और इसीलिए डॉक्टर संजीरी ने उसे हमेशा हमेशा के लिए जुगल जोड़ी। डबल मर्डर डबल थीम। बस हम सॉरी कंफ्यूज हो रहे हैं। आप डॉक्टर संजगिरी का केस लड़ेंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि आपको ये केस लेना चाहिए। वो झूठ बोल रहा है कि उसने शंकर को नहीं मारा। हो सकता है झूठ बोल रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सच बोल रहा है। और अगर ऐसा है, अगर उसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है, अगर डॉक्टर संजगिरी इस किडनी रैकेट का हिस्सा नहीं है, और सोच लेते हैं एक पल के लिए कि उन्होंने ऑटो शंकर की हत्या नहीं की, तो फिर डॉक्टर संजना का जो मैं केस लड़ रहा हूं उसके साथ में डॉक्टर संजगिरी को फंसाया जा रहा है। और अगर मैं ये प्रमाणित करूं कि डॉक्टर संजगिरी का किडनी रैकेट से कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर संजगिरी ने ऑटो शंकर की हत्या नहीं की है, तो उनके साथ साथ डॉक्टर संध्या भी बरी हो जाएगी। और अगर डॉक्टर संजगिरी कसूरवार साबित हुआ तो क्या डॉक्टर संध्या भी जाएगी अंदर? ऐसे में संभावना तो दोनों है, हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। इसका मतलब हमें हॉस्पिटल के नहीं स्टेट के खिलाफ लड़ना होगा एक मर्डर केस में। एग्जैक्टली, स्टेट वर्सेस डॉक्टर संजगिरी। योर ऑनर, इस केस का आरंभ हुआ था डॉक्टर संध्या अग्रवाल विरुद्ध सत्यवती अस्पताल से, जिसके पश्चात किडनी रैकेट का भांडा फूटा और अब ऑटो शंकर की हत्या से इस केस ने एक नया रुख ले लिया, एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। और मैं भी यहाँ आपके पास आकर खड़ा हो गया हूँ पाठक साहब, क्योंकि योर ऑनर अभी एक मर्डर केस बन गया है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो आना बनता है, एम जसपाल की एंट्री तो बनती है। देर से आया हूँ पाठक साहब, लेकिन दुरुस्त आया हूँ, बस 10 मिनट। योर ऑनर, इस कटघरे में दूसरा कोई इंसान खड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि पाठक साहब की जो मुवक्किल थी डॉक्टर संध्या, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। है और ऑनर, अगर और एक कटघरा होता ना यहाँ पास में तो उनको भी साथ में बगल में खड़ा कर देता, क्योंकि वो भी हिस्सेदार है। किडनी रैकेट में दोनों साथ में थे और जब ये राज। ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। डॉक्टर संजगिरी और डॉक्टर संध्या दोनों मेरे मुवक्किल हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई प्रेम भावना नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। वास्तविकता में डॉक्टर संध्या ने मुझे स्वयं बताया कि जब वो नई सत्यवती अस्पताल से जुड़ी थी। और ये क्या हम सुन रहे हैं, तुमने डीन सर से हमारी शिकायत की है? मैंने आपकी कोई कंप्लेंट नहीं की है, सिर्फ सच बताया है कि आप हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपने प्राइवेट क्लिनिक में थे। How dare you? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस हॉस्पिटल में हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट करने की। तुम्हें मेरे अंडर काम करना है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, मैं आपके अंडर नहीं, आपके साथ में काम करती हूँ। और अगर आप कुछ गलत करेंगे ना, तो मेरे पास पूरा राइट है डीन सर को बताने का, क्योंकि यहाँ के बॉस वो हैं, ना कि आप। डॉक्टर संजगिरी, डॉक्टर संध्या ने जो कथन दिया है, क्या वो सत्य है? जी हाँ, ये सच है। मेरी डॉक्टर संध्या से कभी नहीं बनी। दरअसल उस दिन के बाद तो मैंने इनसे बात करनी भी छोड़ दी थी। योर ऑनर, स्पष्ट है कि जब दो व्यक्तियों के बीच इतना कटु संबंध हो तो उन दो व्यक्तियों का किसी कार्य में जुड़े होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण योर ऑनर, डॉक्टर संध्या का ऑटो शंकर की हत्या से जुड़े होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। रही बात डॉक्टर संजगिरी की, तो पाठक साहब ये मत कहिएगा कि इनका भी केस से लेने देने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबूत है योर ऑनर। ये रहा है ना, ये फिंगरप्रिंट है ना, इसमें ये ऑटो शंकर की जो हत्या हुई थी, एक्चुअली हुआ ये था कि उसको एक खाली हवा भरा हुआ इंजेक्शन सिरिंज दिया गया था, जो अंदर जाके एक बुलबुला बन गया
और वो बुलबुला नस में से फैलते फैलते ब्रेन तक पहुंचा और उनको ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया, जिसकी वजह से हमेशा के लिए सो गए। और वो जो सिरिंज जिससे इंजेक्शन दिया गया था योर ऑनर, उस पर डॉक्टर शंकरी की उंगलियों के निशान है। और उतना ही नहीं, ये पाठक साहब के ये तो चंगू मंगू है ना, वो भी वहां पे थे, उन्होंने देखा। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण और शमन जिस समय उन दोनों ने प्रवेश किया डॉक्टर संजगिरी के कक्ष में, समय तक उन्हें लगा कि डॉक्टर संजगिरी ने ही ऑटो शंकर को मारा है, किंतु ये सत्य नहीं है। ऑटो शंकर को वो खाली इंजेक्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही चुप हो ही गई। लेकिन योर ऑनर, जो सिरिंज पे उंगलियों के निशान पाए गए वो तो सिर्फ डॉक्टर संजगिरी के, ऐसा कैसे? योर ऑनर, संभवतः प्रोसिक्यूटर साहब ये बात नहीं जानते कि दस्ताने पहनकर भी ये काम किया जा सकता है, जिसके कारण उस सिरिंज पर उंगलियों के निशान ना आए। शायद पाठक साहब को मालूम नहीं है कि ऑटो शंकर की जो मौत हुई उसके पहले मैं जानता हूँ ये बात कि वो बाहर खड़े थे, वो ठीक थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद वो अंदर गए और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। सब जानता हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? यही कहना चाहता हूँ मैं योर ऑनर के ये जो भी कुछ हुआ था वो मैं नहीं कहूँगा, मेरी विटनेस है ना सिस्टर निर्मला। जस साहब, मैं उस वक्त डॉक्टर संजगिरी के कैबिन में ही थी। ऑटो शंकर थे तब तक एकदम ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी हाँ, उसने मुझसे पूछा भी। योर ऑनर, यहाँ तक अगर ऑटो शंकर एकदम ठीक ठाक था और उसके बाद वो कैबिन में गया और उसके बाद ही आप एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है जब सिस्टर निर्मला मेरे से मिलकर गई थी उसके बाद ऑटो शंकर तुरंत मेरे पास नहीं आए। इसका अर्थ ये होता है यार कि इसी अंतराल में किसी ने ऑटो शंकर को वो खाली सुई चिपकाई, और डॉक्टर संजगिरी के कथन के अनुसार सिस्टर निर्मला के जाने के बाद तुरंत ऑटो शंकर इनके कैबिन में नहीं आया था। इसका अर्थ ये होता है यार कि ऑटो शंकर को सुई कैबिन के बाहर ही दी गई थी। सिस्टर निर्मला, क्या आपने ऑटो शंकर के साथ किसी व्यक्ति को देखा था वहाँ जो ये कार्य कर सके? वैसे आप कितने समय तक थी उसके साथ? बस 2 मिनट सर, उसके बाद मैं पेशेंट को लेकर लैब में चली गई, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी और ने देखा हो। भाई किरण, धनपत ने ऐसा कहा था कि ऑटो शंकर जब उसे अस्पताल लेकर गया था तो उसने धनपत को आपसे मिलाया और फिर वो वहाँ से चला गया, और जब मेरे दो सहायक वेशभूषा बदल कर अस्पताल गए तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपसे ही मिलाया। अब मुझे लग रही है कि संभावना है कि आप भी इस किडनी रैकेट के साथ जुड़े हुए थे और आपकी मिली भगत थी ऑटो शंकर के साथ। संभव है कि किसी बात को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर या किसी और विषय में आप दोनों के बीच में अनबन हो गई होगी, ऑटो शंकर भांडा फोड़ना चाह रहा होगा डॉक्टर साहब के सामने, आपको इस बात का पता चल गया होगा और वो भांडा फोड़े उसके पहले आपने उसे वो खाली सुई चुभाई है उसको। सर, मैंने ऑटो ड्राइवर शंकर को नहीं मारा, तो मैं क्यों मारूंगा सर? उससे मेरा किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं था और ना ही मैं इस रैकेट में शामिल हो जाऊं। नहीं, कोई संबंध तो था अवश्य, क्योंकि हर व्यक्ति को आपके पास ले जाया जाता था, ऐसा क्यों? सर, आप जब किसी के ऑफिस जाते हैं तो डायरेक्ट बॉस के कैबिन में तो नहीं घुस जाते ना सर, पहले प्यून से या रिसेप्शन पे बात करनी होती है तब जाके। तो ऑटो ड्राइवर शंकर भी मुझसे ऐसे ही मिलने आता, किसी पेशेंट को साथ में लेके आया, बोला ये गरीब पेशेंट है, इसका अच्छे से इलाज करवा देना डॉक्टर को बोल के, दैट्स इट सर। और मैं डॉक्टर को जाके बोल देता था कि गरीब है इसका। अब डॉक्टर उसके साथ क्या, अब वो सब मुझे नहीं मालूम सर। सही है, सही 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 है, रहे क्या है ना, अब ये क्या किरण बॉडबॉय है बॉडबॉय कैसे है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ये सब बॉडबॉय का काम नहीं है। और ना ही वो जो खाली इंजेक्शन जो सिरिंज वाला दिया था, इतनी नॉलेज बॉडबॉय में नहीं हो सकती है, ये काम तो किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर का हो सकता है, और वो डॉक्टर यहाँ पे कटघरे में खड़ा है। कटघरे में खड़ा हुआ हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता जसवंत? मानता हूँ मैं, लेकिन ये जो कटघरे में खड़ा है वो तो है। अरे चलो छोड़ दो, इस कटघरे में जो बंदा खड़ा है आपको क्या लगता है ये खूनी है? ये तो पता लगाऊंगा और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो भी हत्यारा है उसे कटघरे में अवश्य खड़ा करूंगा।
जो भी व्यक्ति डॉक्टर साहब से मिलने आता था सर्वप्रथम तुमसे मिलता था, तो क्या ऑटो शंकर जब आया था डॉक्टर साहब से मिलने तुमसे मिला था? नहीं सर, कल मैं शंकर से नहीं मिला। सर मैं ओपीडी के पास से गुजर रहा था तो शंकर और डॉक्टर खुराना को बात करते हुए मैंने देखा था। खुराना साहब, जैसा कि अभी अभी बताया, आपके साथ ऑटो शंकर वहाँ बात कर रहा था और हमें पता है कि ठीक उसके बाद वो डॉक्टर संजगिरी के कैबिन में गया और उसकी मृत्यु हो गई। वो संभव है कि आपसे जब मिला आप समझ गए थे कि ये जो संचालन आप कर रहे हैं गुर्दे बेचने का, उस पर से फांडा फोड़ने वाला था आपकी योजना पर से ऑटो शंकर, और वो डॉक्टर संजगिरी के कैबिन में जाए उससे पहले ही आपने उसे वो इंजेक्शन दिया खाली वाला और उसको मौत की नींद सुला दी। नहीं जज साहब, ये झूठ है। फिर सच क्या है डॉक्टर खुराना? ये ऑटो शंकर पांडे आपसे मिलने क्यों आया था? ऑटो शंकर मुझे मिलने नहीं आया था। एक्चुअली ऑटो शंकर तो डॉक्टर संजगिरी का कैबिन ढूंढ रहा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजगिरी कहाँ बैठते बता सकते आप? डॉक्टर संजगिरी फर्स्ट फ्लोर 115 में। एक मिनट, तुम्हें डॉक्टर संजगिरी से क्या काम है? उन्हें कुछ बताना है। हो सकता है आप गए हो कि वो आपका फांडा फोड़ने वाला हो और मुंह खोलने वाला हो डॉक्टर संजगिरी के सामने, और आपने उसे इंजेक्शन देकर उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर। नहीं मैंने कोई इंजेक्शन नहीं दिया। ये तो किसने दिया? आप ही ने दिया होगा। आप ही तो धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं गुर्दे बेचने का। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। इंस्पेक्टर दवे, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए। अदालत की कार्यवाही तुरंत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, उनको लगता है डॉक्टर खुराना ना ये हार्ट अटैक का सॉलिड नाटक कर रहा है, फुल एक्टिंग कर रहा है, फुल टू एक्टर है बॉस। बॉस, अपन को क्या लगता है ये किडनी विडनी का झोल ना उसने किया? केडी सर, मेरा पहला शक अभी डीन भागवत की तरफ ही जा रहा है। क्या वरुण भाई, पहले प्यार की तरह पहले शक पे अटके ले काइको। अरे अपन बोल रहे ना, अपन की बात मानो। वो पहले जाओ, दोनों जाकर पता करो कि डॉक्टर खुराना को होश आया कि नहीं। राइट सर। तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। डीन भागवत, डॉक्टर खुराना, डॉक्टर संजगिरी और डॉक्टर संध्या, इन्हीं में से कोई एक है, कौन हो सकता है? हेलो, ठीक है मैं आता हूं। केडी पाठक की किडनी के 5 करोड़ मिलने वाले हैं, हमें 5 करोड़। इसके बाद हमें किसी की भी किडनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टच वुड। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? माँ की जय। सो कौन है? वही तो देख रहा है, दिखाइए जरा। अच्छा आप हैं। योर ऑनर, अंत में पता लग ही गया कि ये गुर्दे बेचने का धंधा करने वाला और ऑटो शंकर का हत्यारा ये कौन है। वास्तविकता में योर ऑनर, कल जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस केस का कोई तोड़ नहीं दिख रहा था, तो मैंने एक योजना बनाई। हेलो किरण, क्या काम है? अपन को तेरा नंबर
ऑटो शंकर ने दिया था। अपुन को ना किडनी मांगता है, किडनी। नहीं भाई, किडनी विडनी का काम नहीं करता मैं। अपुन तेरे को 5 करोड़ रुपए देगा एक किडनी का, बोल। 5 करोड़? 5 करोड़ एक किडनी के लिए? हाँ, लेकिन ये अपुन को ऐसा वैसा किडनी नहीं मांगता, अपुन को एकदम सॉलिड सॉलिड किडनी मांगता, समझा क्या? वो वकील है ना वकील, वो केडी पाठक, उसका किडनी मांगते अपन को। नहीं, केडी पाठक की किडनी ठीक है, मगर केडी पाठक की ही किडनी क्यों चाहिए? किसी और की ले लो, किसी की भी ले सकते हो, किडनी तो किडनी। उसका किडनी अपन को इसलिए मांगता है क्योंकि अपन का उससे पुराना कोई सॉलिड दुश्मनी था, अपन उसका साले का किडनी निकाल के ना बेचना चाहता है मार्केट में, समझा क्या? वो सब छोड़, तू बोल किडनी देगा कि नहीं, नहीं तो अपन को और भी बहुत लोग, बोल। नहीं नहीं, मैं करता हूँ। 5 करोड़। और फिर हुआ वही यारों जो मैं चाहता था। किरण ने मुझे फोन किया। हेलो केडी सर, मैं किरण बोल रहा हूँ, वॉट बॉय। किडनी रैकेट के बारे में कुछ सच बताना चाहता हूँ आपको, मिलना चाहता हूँ आपसे। हॉस्पिटल में नहीं, नायगांव के पीछे जो तालाब है ना, वहाँ। और फिर यारों मैं निर्धारित स्थान पर पहुंचा, किंतु योर ऑनर मैंने अपने सहायकों वरुण और श्रमण को आदेश दिया था कि वहां छिपकर रहे। पर आप तो बेहोश थे मिस्टर पाठक, फिर समन की आवाज सुनकर उठ कैसे गए? योर ऑनर, मैं उस समय बेहोश नहीं था जब मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया जा रहा था। मैंने अपनी सांसें रोक ली थी ताकि क्लोरोफॉर्म का एक भी अंश मेरे अंदर नहीं जाए। मैंने केवल अभिनय किया था योर ऑनर, जो काम आया और सबको ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। वो कौन सा डॉक्टर था जो आपकी किडनी निकाल रहा था? डॉक्टर नहीं है, सिस्टर है, सिस्टर निर्मल। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, यही है नर्स निर्मला जी। इस पूरी योजना को इन्होंने ही रचा है, दनपत, बाबूलाल, मानिक राव, इन सबके गुर्दे इन्होंने ही निकाले, और ऑटो शंकर की हत्यारण भी यही। निर्मला जी, कुछ कुछ संदेह मुझे उसी समय होने लगा था जब डॉक्टर संजगिरी ने यह बताया कि आपके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही ऑटो शंकर इनके इनके कक्ष में गया था। चलिए, अब तो कुछ कहने सुनने को बाकी रहा नहीं, रहस्य तो सारे खुल गए। आप कहानी बताएंगी न्यायाधीश महोदय को या सीधा दंड सुनेंगी, क्या करेंगी? जज साहब, मेरा पति एक सट्टेबाज है और सट्टे में वो करोड़ों रुपए हार चुका है। पैसे ना चुकाने पर उसे आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। बस वही करोड़ों रुपए इकट्ठे करने के लिए मैंने ये किडनी का रैकेट प्लान किया, और उसमें मैंने किरण को अपने साथ लिया। किरण की ऑटो शंकर से सेटिंग थी। वो ऐसे पेशेंट्स लाया करता था जिन्हें पेट का इंटरनल प्रॉब्लम होता और ऑपरेशन की जरूरत होती, और जब किरण पेशेंट को ऑपरेशन के बाद वार्ड में लेके जाता तो मैं वहां जाकर ऑपरेशन करके उनकी किडनी निकाला करती थी। पर आप तो एक नर्स हैं, फिर कैसे किसी का ऑपरेशन करके किडनी? मैं पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हूं, और इन 20 सालों में कई डॉक्टर्स के साथ बहुत से ऑपरेशंस में साथ रही हूं, इसलिए इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है कि मैं किसी की भी किडनी आराम से निकाल सकती हूं। और सर धनपत, बाबूलाल, मानिक राव, जिनकी सबकी किडनी डीन सर के फ्रिज में मिली, वो सब मैंने ही निकाली थी। अर्थात बाबूलाल जी का यूरिनरी ट्रैक्ट जिसके कटने से उनकी मृत्यु हुई थी, वो मेरी ही गलती थी। क्या कर दिया तुमने? ये बात
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? रिपोर्ट में ये बात थी सर, लेकिन जब किरण वो रिपोर्ट लेकर डीन सर के पास गया तो मैंने उसमें से किडनी वाली बात डिलीट कर दी। अच्छा, तो इसी कारण उस समय सत्य का खुलासा नहीं हो सका। ये तो बताइए, ऑटो शंकर के प्राण क्यों हरे आपने? क्या कारण था इसके पीछे? वो किरण से ज्यादा कमीशन मांग रहा था और जब किरण ने उसे मना किया तो वो डॉक्टर संजगिरी के सामने इस सारी बात का भांडा फोड़ करने वाला था। जब मैंने उसे डॉक्टर संजगिरी के कैबिन के बाहर बैठा देखा तो मैं ये बात समझ गई। मैं सब कुछ डॉक्टर को बताने को जा रहा नहीं, रैकेट के बारे में I'm so sorry, इस पूरे रैकेट के पीछे शुरुआत से मैं ही थी। The defense, rest your honor. ये अदालत सिस्टर निर्मला और उसके सहयोगी वार्ड बॉय किरण को अपराधी करार करते हुए पुलिस की हिरासत में लेने का हुक्म देती है और डॉक्टर सांजगिरी और डॉक्टर संध्या को सभी आरोपों से बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। भटक सर, आपको ना ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कैसा? वो क्लोरोफॉर्म अगर आपने सूंघ लिया होता, आपकी किडनी अगर निकाली जाती तो? नहीं नहीं आप, वैसे आपकी किडनी है? हाँ। और आपका मगज? हाँ। पक्का?